देखिए, चमगादड़ से रिलेटेड जो है इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हम मंदिर के मेन पुजारी हैं और इससे जो है इतिहास जानेंगे। देखिए, इस गांव में जो है भारी संख्या, हजारों हजार की संख्या में जो है बहादुर हैं, मतलब जिसको चमगादड़ कहा जाता है। इससे क्या कुछ कहानी जुड़ा हुआ है? इससे कहानी यह जुड़ा हुआ है कि यह गांव पहले तो जंगल था, गांव बाद में बसा। यह जंगल था और यहाँ बहादुरों की संख्या बहुत ज़्यादा पहले से ही आ रही है, इसीलिए पुनः पुराना नाम इसका है बहादुर छपड़ा। अभी इसका छपड़ा मेघराय के नाम से जाने जाते हैं रिकॉर्ड में, लेकिन पुराना नाम इसका बहादुर छपड़ा है। और एक समय की बात है कि यहाँ से गांव बसने के बाद धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ता गया। किसी ने कुछ, यहाँ के कोई महन जी या पुजारी थे जो इन्होंने कुछ अपशब्द कह दिया इनको, तो ये रुष्ट होकर के चले गए हाजीपुर साइड में कहीं चले गए। उसके बाद गांव में थोड़ी सी महामारी फैल गई, बड़ा तबाही होने लगा। तो पुनः महन जी और गांव के लोगों ने जा करके इनको निहोरा विनती करके फिर बुला करके लाया। इनमें खासियत है कि इस गांव के अगल बगल तक किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। अमलों का, आम का गाछी है, लीची का गाछी है, हर चीज़ है, कोई भी वृक्ष पर ही इधर ध्यान ही नहीं देते। कम से कम इनका 25 किलोमीटर के बाद ही कोई कारोबार होता है और रहते हैं आराम से। अभी 50,000 से ऊपर की संख्या में है। हाँ, और 2 KG 3 KG इस प्रकार से मिलेंगे। छोटों की संख्या बहुत कम है, बड़े की संख्या बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, लोग जो है इसको गलत नज़रिए से देखते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा भी होता है कि लोग जो है इसकी पूजा करते हैं? नहीं, तो यहाँ इसको लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर कहीं धोखे धाकी से कहीं गिर भी गया तो लोग पुनः उठा करके यहाँ ले आकर के रख देते हैं। लोग पूजा भी करते हैं? हाँ हाँ, कोई इसको मार नहीं सकता है। अगर मालूम हो जाएगा इस गाँव को कि किसी ने अलग में जाल लगा दिया है, तो वहाँ पहुँच करके बवाल हो जाएगा, जरा भी कोई छू नहीं सकता है। तो काफी, मतलब इसके पीछे भी हाँ, काफी श्रद्धा है, कारण कि इस गांव का लक्ष्मी माना जाता है। पुराने बसने वाले हैं इसलिए इस गांव का लक्ष्मी माना जाता है। पुराने सालों से लगभग ये होगा, कह नहीं कि तो परंपरा की बात है, तो अब कितने साल से इसका कहना असंभव है, कारण कि जब तक यह गांव बसा ही नहीं था उससे पुराने के बसिंदगी ये हैं। सबसे पुराने बसने वाले ये बहादुर ही हैं और उन्हीं के नाम पर इसका नाम बहादुर छपड़ा पड़ा। उसके बाद कुछ समय आई, एक जमींदारी सिस्टम था जिस समय मेघराय यहाँ के बहुत चलनसार लोग हुए, उनकी दबदबा रही, अंग्रेजों के शासन में भी उनका कार्यभार रहा, इसलिए उन्हीं के नाम पर यह गांव आ गया और बस्ती धीरे 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 बढ़ती गई। एक ही व्यक्ति का यह सारा गाँव है, ये सारे गाँव जो बसे हुए हैं मात्र एक व्यक्ति से हैं। नाम क्या हो गया आपका? मेरा नाम है बिमल दास। देखिए, तो ये मंदिर के मेन पुजारी हैं और इन्होंने बताया कि ये जो बहादुर हैं ये कब से यहाँ हैं इसका पता जो है किसी को नहीं है, और जो यहाँ के ग्रामीण हैं बहादुर को जो है सुख समृद्धि का जो है अपना प्रतीक मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। तो बने रहे, आप हमारे साथ देखते रहिए मुजफ्फरपुर वाओ।